सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग हकाई टीवी के जैसा प्रोफेशनल शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हो, लाइक स्लो मोशन इफेक्ट और भी बहुत कुछ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक बार प्रीव्यू देख लो। सो अगर आप लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ओके सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए यहाँ पे हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कैपकट, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड सेकंड हमारा एप्लीकेशन है सिक्योर वीपीएन, जो कि आप लोग को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सो आप लोग को सबसे पहले सिक्योर वीपीएन को ओपन करना है, क्योंकि इसके बिना तो कोई इफेक्ट रन नहीं करेगा कैपकट एप्लीकेशन में। सो सबसे पहले इसे ओपन कर लो, एंड ओपन करने के बाद में कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करके कट कर दो। सो आप लोग का जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, और जो भी गाइस आप लोग की क्लिप है जिसको आप लोग एडिट करना चाहते हो, उस वाली क्लिप को आपको लेके आना है एकदम शॉर्ट वीडियो में। जैसे कि ये गाइस मेरी क्लिप है, एंड ये वाली क्लिप अगर आप लोग को चाहिए तो मैं पैक में दे दूंगा, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। सो मैं सबसे पहले गाइस आप लोग अपनी क्लिप को कट कर लेना है जहाँ पे आप लोगों ने किल किया है, एंड किल करने के बाद में गाइस थोड़ा बहुत मूवमेंट वगैरह रहेगा तो और भी सही लगेगा। सो सबसे पहले गाइस आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में रखना है, मतलब जहाँ पे रन कर रहा है कैरेक्टर, जहाँ पे रन कर रहा है उतना ही गाइस आप लोग को रखना है। जैसे कि मेरा यहाँ तक ही रन कर रहा है, यहाँ पे मैंने हाथ में गन ले ली है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग को थोड़ा सा पीछे आना है, एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को कर देना है स्प्लिट। सो यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। अभी गाइस आप लोग को इस वाली क्लिप पे क्लिक करना है, और उसके बाद में गाइस आप लोग को स्पीड में आना है। यहाँ पे गाइस आप लोग ध्यान से देखा करो, नहीं तो आप लोग का स्लो मोशन बेकार हो जाएगा, जो कि लैग लैग सा दिखता है वो बेकार लगता है। सो आप लोग देख लो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को स्पीड में आना है, देन नॉर्मल में आ जाओ, एंड जो स्पीड रहती है स्लो मोशन की उसको गाइस आप लोग 0.2x या 1x अपने हिसाब से कर लो, जितना स्लो मोशन आप लोग को चाहिए। और उसके बाद में मेक इट स्मूदर जो लिखा हुआ है उधर क्लिक करके बैटरी क्वालिटी जरूर से सिलेक्ट करना है, और ये जो पिच है इसको ऑन रखना है, देन आप लोग इधर डन कर देना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, और अब आप लोग देख सकते हो स्लो मोशन हो चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पे स्लो मोशन हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा और स्लो मोशन चाहिए, तो गाइस मैं इसको 0.1x कर दूंगा, और अब गाइस यहाँ पे स्लो मोशन डालते हैं, ठीक है। सो आप लोग अपने हिसाब से रख लेना जितना आप लोग को चाहिए स्लो मोशन, ठीक है। उसके बाद में गाइस आप लोग को आना है आगे की साइड में, मतलब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे किल कर दिया है, इसके बाद में गाइस आप लोग को स्लो मोशन देना है। तो जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि मैंने किल किया, और यहाँ पे जैसे ये रन करने लगता है तो आप लोग को स्प्लिट कर देना है, एंड थोड़ा बहुत ही आप लोग को रखना है, उसके बाद में फिर से स्प्लिट कर दो, और जो आगे का है उसको गाइस आप लोग डिलीट कर देना। देन इसके बाद में आप लोग इस वाली क्लिप पे आओ, देन आप लोग को सेम उसी तरीके से स्लो मोशन देना है जैसे कि हमने अभी दिया था। सो इसको मैं यहाँ पे 0.2x दूंगा, और यहाँ पे मेक इट स्मूथर लिखा हुआ है वहाँ पे जाके बेटर क्वालिटी करना है, एंड ये जो पिच है इसको गाइस आप लोग ऑन करके डन कर देना। सो वीडियो दिखाता हूँ गाइस आप लोग को, पहले आप लोग स्लो मोशन देख लो एक बार। सो अभी गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही है। अब आप लोग को करना क्या है, जहाँ पे आप लोगों ने जैसे यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे किल किया है, तो आप लोग इधर स्प्लिट करना है, एंड स्प्लिट करने के बाद में आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दो, ये जो आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है आप लोग को, एंड आप लोग को आना है गाइस थोड़ा सा आगे की साइड में, यहाँ पे गाइस आप लोग को ये ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंच का, इसको गाइस आप लोग सिलेक्ट करके डन कर देना। सो यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड हो जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। सो इसके बाद में गाइस आप लोग आपकी फर्स्ट क्लिप पे क्लिक करना है, और इसके बाद में नीचे की साइड स्क्रॉल करके फिल्टर में आना है आप लोग को, देन एडजस्ट में आ जाओ, एंड जो सेचुरेशन है उसको इस आप लोग फुल रखना, मैंने इसको पहले से करके रखा है, देन आप लोग अप्लाई टू ऑल जैसे ही करोगे तो आपकी सभी क्लिप में वो सेम सेचुरेशन अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद में गाइस आप लोग को करना क्या है, जहाँ पे आप लोग ने किल किया है जैसे कि यहाँ पे किल हो चुका है, तो अभी गाइस यहाँ पे आप लोग को कलर ग्रेडिंग डालना है जैसे कि हकाई टीवी की वीडियो में रहता है। उसके लिए गाइस आप लोग को आगे की साइड में आके एडजस्टमेंट में आना है, एंड HSL में आ जाओ, देन आप लोग को करना क्या है, ये जो कलर्स हैं इनके डाउन कर देना है, ओनली ब्लू कलर है इसको आप लोग डाउन कर देना, सो आपकी कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। देन आप लोग को डन करना है, देन आप लोग को आगे वाली क्लिप में आना है, एंड इधर भी गाइस आप लोग को एडजस्ट में आ जाओ, देन जो HSL है इस पर एक बार क्लिक करना, देन यहाँ पे ब्लू कलर की जो सेचुरेशन है उसको डाउन कर देना है, मतलब एकदम माइनस का कर दो आप लोग।
जैसे आप लोग इसको माइनस का 100 कर दोगे तो यहाँ पे हमारी जो कलर ग्रेडिंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। एंड इसके बाद में गाइस आप लोग को यहाँ पे एक इफेक्ट को ऐड करना है जो कि काफ़ी सही लगेगा। उसके लिए पहले जहाँ पे आप लोगों ने किल किया है, जैसे कि यहाँ से हमने किल किया था, तो यहाँ पे गाइस आप लोग को आना है, देन आप लोग को आ जाना है इफेक्ट में और वीडियो इफेक्ट में आ जाओ गाइस। अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है, जो कि ऊपर आप लोग को टाइमलाइन मिल रही है, यहाँ पे गाइस आप लोग को स्क्रॉल करके स्पार्क में आना है और यहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन मिल जाएगा बाय द फायर, ठीक है। इसको गाइस आप लोग ऑन करके डन कर देना और आप लोग को कुछ भी नहीं करना, जितना आप लोग का वीडियो है, जितना आप लोग को इसको चाहिए उतना आप लोग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। सो यहाँ पे पहले से ही सही है तो इसको उतना ही रखूँगा। एंड इसके बाद में गाइस आप लोग प्ले करके देख लो एक बार। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है। अभी गाइस आप लोग को यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट को ऐड करना है, सो मैं उसको कर लेता हूँ। सो ये है गाइस हमारा साउंड और वीडियो में जो भी गाइस यूज होगा वो आप लोग को पैक में मिल जाएगा। सो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे गाइस आप लोग को लिंक मिल जाएगी पैक की और उसमें आप लोग को सभी साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। और ये जो क्लिप है ये भी गाइस मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आप लोग सीख जाओगे बनाना। और ये जो आप लोग की क्लिप्स हैं, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है अनम्यूट क्लिप्स का, मतलब इसको सभी क्लिप्स को आप लोग को म्यूट करना है, तो आप लोग यहाँ पे कर देना, सो ये सभी का साउंड ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद में गाइस आप लोग को ये जो वीडियो है इसको गाइस आप लोग अपनी वीडियो के हिसाब से मैच करना है इस वाले म्यूजिक को। सो आप लोग पहले यहाँ पे स्प्लिट कर लो और ये जो बाकी का है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ पे गाइस मैं मैच कर लेता हूँ अपनी, जहाँ पे जैसे मैंने किल किया है वहाँ पे गाइस पहले इसको रख देना है आप लोग को। जैसे यहाँ पे किल है तो इसको गाइस आप लोग को उठा के यहाँ पे रख देना है, ये जो बीट है उसके हिसाब से आप लोग को करना है। सो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। इसके बाद में आप लोग वीडियो पे क्लिक करो और इसको एकदम साइड में लेके आ जाओ। देन यहाँ पे गाइस आप लोग को फेड में आना है। फेड में आने के बाद में ये जो फेड इन है इसको गाइस आप लोग को 1 सेकंड करना है एंड फेड आउट को भी गाइस आप लोग इधर 1 सेकंड कर देना। सो मैं अभी एक बार प्ले करके देखता हूँ। सो अब गाइस यहाँ पे जैसे हमने किल किया है तो यहाँ पे गाइस आप लोग को गन का साउंड इफेक्ट को ऐड करना है जो कि आप लोग को पैक में मिल जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ। सो यहाँ पे गाइस मैंने डीजे टीगल से किल किया था तो उसका साउंड इफेक्ट मैं लेके आ चुका हूँ। आप लोग के लिए जो बाकी की गन है जिनसे बन टैप लगते हैं उनका साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, सो आप लोग यूज कर लेना। सो यहाँ पे गाइस हमारा वीडियो एडिट हो चुका है, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। और इसके बाद में गाइस आप लोग को वीडियो पे एक बार क्लिक करना है तो आप लोग का जो वीडियो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे ये टाइमलाइन आप लोग की आ जाएगी। देन आप लोग को ऑडियो पे क्लिक करके स्प्लिट पे क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, तो आप लोग का म्यूजिक आपकी वीडियो के जितना हो जाएगा। अभी गाइस आप लोग को करना है अपलोड, मतलब जो एक्सपोर्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो ये वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि आप लोग के लिए एक बीट सिंग मॉन्टेज का ट्यूटोरियल लेके आऊँ। सो अगर आप लोग को चाहिए तो 24 आवर्स में इस वाले वीडियो पे बन के लाइक्स कम्प्लीट करवा दो। जैसे गाइस हो जाएंगी तो गाइस मैं ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।